सो आज का ट्यूसडे का मौसम कुछ ऐसा, बारिश होते हुए। बाय द वे मैं एक और ब्लॉग के साथ वापस आ गया हूँ। नमस्कार और स्वागत आप सभी का मेरे चैनल टू ड्रीम्स पे, एंड मेरे साथ है मेरा लाल। तो भी घर का कुछ हालत ऐसा हो रखा है। ये हमारे बड़े भैया, ये कंघी मिला मुझे आफ्टर 3 इयर्स। वो मेरी दीदी, ये मेरे भैया, वो हमारी अम्मी जान। अब वो एक नंबर का क्या बोलो उसको। तो आज कुछ मोटर राइड वगैरह नहीं हो रहा है, मैं ना ही मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आज को। तो आज हमारा ये है कि हमने कुछ एक स्टेप आगे बढ़ाया है घर को सजाने के लिए। तो आप देख सकते हैं घर का अभी ऐसा हालत हो रखा है। वो क्यों? क्योंकि हमने दो चीज़ें परचेज की है। नंबर 1, टोशिबा 55 इंच का अल्ट्रा HD 4K TV, उसके साथ बोट का साउंड बार है विथ ऊफर 2.1 चैनल। तो इसे हम लोग सेट करेंगे यहाँ इस वॉल पे। तो ये उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ से हमने शोकेस हटा के इधर रखा है, सोफ़ा हमने इधर कर दिया है। सब टेक्नीशियन भी आने वाला है, तो फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। सांप चले है ना, ये टीवी नीचे उतार दिया है टीवी को, इसलिए हम इसके टीवी को उसके ऊपर लगाएंगे और इस बॉक्स को इसको खोल के उसके ऊपर लगाएंगे, फिर वीडियो होगा। तो हमारा पहले जो टीवी था वो ये था, ठीक है, LG का। तो मुझे बहुत मन था कि मैं एक HD TV लूँगा जो कि काफ़ी बड़ा होगा घर पे। तो फाइनली वी डिड इट, हमने मिलके ये TV एंड ये बॉक्स लिया। तो कैसा लगता है वो देखते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा ये बोट का, ये 2.1 चैनल बार के साथ, बार 1200 इसका मॉडल है। 2.1 चैनल साउंड बार स्पीकर सिस्टम है, मॉडल नंबर है अवान्ते बार 1200 एंड दिस वन इज टीवी टोशिबा, जो कि एंड्रॉयड टीवी नहीं है, ये है, इट कम्स विद वीडा। हे तू बीच में मत आया कर बार बार, समझा ना, अगली बार देख लेगा तेरे को, समझा। तो इस टीवी में ये एंड्रॉयड नहीं है, ये वीडा टीवी है। टोशिबा का डॉल्बी विजन एंड एटमोस दोनों है, इसीलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि मुझे डॉल्बी का वो सराउंड साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी चाहिए था। डिज़ाइन इन जापान, मेड इन इंडिया। तो जैसे लोग आते हैं तो उस टाइम अनबॉक्स भी करेंगे, देखेंगे कैसा है, इंस्टॉलेशन होगा, फिर वीडियो भी डिलीवर करके दिखाऊंगा कैसा है। एक वीडियो बना रहा है। हाय, मेरा नाम सुरेश तिवारी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसलिए हम सब एक नया टीवी आया है, वो टीवी को जोड़ेंगे, इसलिए हम सबको आपकी मदद चाहिए ना। अच्छा, इसलिए और जो आपका चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्या करिए सब... अरे बोल ना तू, इसलिए है ना हमें ये। और आप अपने सब्सक्राइबर लोग के साथ खेलते हैं ना, बोलते हैं जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा मैं उसके साथ खेलूंगा, बोलते हो ना, बोल क्या बोलना चाहते हो, बोलो। इसलिए है ना हमें आपकी मदद चाहिए, इसलिए लास्ट में देखते हैं। अच्छा, इनकम्प्लीट बात मैं पूरा कर देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि अब टेक्नीशियन आएंगे और सारे पार्ट्स को जो है इंस्टॉल करेंगे। तो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट टेक्नीशियन दैट इज कमिंग, तो हम लोग कुछ ऐसे वेट कर रहे हैं। या हम तीन बंदर, और यहाँ पे है हमारी भाभी, मम्मी, मीनू, मेरी दीदी। कैसा लग रहा आपको? Feels good. Please like and subscribe my channel. सैप पे रखा हुआ है सारा सामान। He got super obsessed and excited with the new project. आपको कैसा लग रहा है अम्मी जान? Mom. ओ अम्मी जान। बोलो। कैसे लग रहे हैं इधर? ये वीडियो में तो क्या दिखे? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है नानी? मजा आ रहा है? हाँ बेटा। थैंक यू बेटे। अपने चैनल में बोल दो देखिए करने के लिए सब्सक्राइब। अबे तू पागल क्या? वो तो
टीवी अगर जल्दी नहीं लगेगा तो ये भाई साहब ऐसे मुझे मारने वाले। जब तक ये टीवी नहीं लगता ना तब से मारे जा रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों। पागल हो गया लड़का, पागल कहे क्या। चेहरा देख रहे चोर का। पागल बोल रहा है, पागल बोला। छीट है छीट। सॉरी बोला ना। सो फाइनली हमारा इंतजार हुआ खत्म। टेक्नीशियन इज हियर बेबी, मेरे को बुलाओ प्राचीन और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ए तू मत कर जा भाई। यहाँ पर टीवी है, ये कंप्यूटर चल रही है। जो है सेट हो चुका है एंड ट्रस्ट मी साउंड इज रियल क्यूट ऑसम। सो दिखाता हूँ। सो ये है वो पिक्चर क्वालिटी। इसके डिस्प्ले की जो बात है काफी 4K है एंड ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चलती है। सो यू कैन सी द प्लेबैक ऑफ ए वीडियो। एंड इस टीवी का जो इटसेल्फ साउंड है वो भी अच्छा है, बट मैंने यहाँ पे अलग से ले रखा है बोट का ये 2.1 चैनल का सेटअप, ये एक बार विद अ वूफर। सो साउंड ये एंड ये रूम पे काफ़ी अच्छा सराउंड कर रहा है। तो ये मैंने यूट्यूब पे प्ले करके रखा है एंड ये है हमारा बोट का साउंड बार। 80 वॉट का साउंड बार है, इसके साथ ये वूफर। तो पिक्चर क्वालिटी की जहाँ पे बात है ये काफ़ी मुझे तो काफ़ी पसंद आई, घर पे सबको अच्छा लग रहा है। सो अभी जो कि है वॉल्यूम इसका डाउन कर रखा है मैंने, अभी मैं इसको अप कर रहा हूँ। इसके 100 यूनिट में से मैंने इसको अभी 50 पे रखा है, तो इस पे ये डिसेंट साउंड लग रहा है। अगर आपको थोड़ा और एग्रेसिव साउंड चाहिए पुट इट टू 80 एंड आपका जो रूम है वो पूरा गूंजेगा। सो बोट इज अ नाइस चॉइस अलोंग विद दिस वन। इसमें आप लोगों को बता दूं टीवी जो है 43,000 की है, बट मुझे ऑफर पे मिला है सो मुझे और कम पे मिल गया है। एंड जो साउंड बार है वो 7,000 समथिंग का है, तो वो भी ऑफर में मुझे मिला है, वो 6,500 में ऐसे मिल गया है। सो आउटपुट जो है काफ़ी सेटिस्फाइड है, मीन्स यस HD था एंड डॉल्बी एटमोस एंड डॉल्बी विजन है, तो काफ़ी अच्छा क्लैरिटी दे रहा है। एंड जहाँ तक बात है साउंड का, वो 80 वाट का स्पीकर्स है एंड अपने रूम के लिए तो एनफ है। अगर आपका बड़ा रूम है तो आप 120 वाट का ले लो या फिर 160 वाट का। तो हमारे जितने रूम्स है 80 वाट इज़ मोर देन एनफ।
तो वो अच्छा खासा सराउंड खेल रहा है विद डॉल्बी साउंड्स एंड टीवी का जो इट्सेल्फ स्पीकर है वो काफ़ी अच्छा है, सच बता रहा हूँ है। बट हाँ, आपको होम थिएटर टाइप बेस नहीं मिलता है, बट हाँ इट इज़ लाउड कि आप बैठ के सुन सकते हो। तो बट गाना वाना चलता रहता तो इसलिए मैंने स्पीकर ले लिया। इसी के साथ वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते मोटर ब्लॉगिंग जरूर करूँगा, ठीक है? चलिए बाय। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कर दीजिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में मेरा भगना आप लोग को छोड़ेगा नहीं। बाय।